नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में आपके लिए जो मैच कवर करने वाले हैं, मैच है दोस्तों MCA T20 कप का आज के दिन का दूसरा मैच जो यहां पे खेला जाएगा टीम वॉरियर्स वर्सेस टीम टाइगर्स के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस मैच की कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, किन प्लेयर्स को आप लोग कैप्टन पिक कर सकते हो और किन प्लेयर्स को आप लोग अपनी टीम में एज अ वाइस कैप्टन पिक करके चल सकते हो। तो बस आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, पूरी देखनी है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हो। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी आफ्टर लाइन अभी या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी सीधा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सबसे पहले स्कोर कार्ड की ओर। दोस्तों अगर बात की जाए इस मैच के टाइमिंग की तो ये मैच 11:30 बजे पे खेला जाएगा और सीरीज़ का 18वां मुकाबला है। पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए तो दोनों ही टीम्स यहाँ पे ग्रुप बी से आती हैं। ग्रुप बी में अगर देखा जाए तो टाइगर्स की टीम सेकंड पोजीशन पे है, दो मुकाबले में एक मुकाबले जीती है और एक मुकाबला अपने हारी है। वहीं पर इनकी जो अपोनेंट टीम है वॉरियर्स की, वो अभी फोर्थ पोजीशन पे एक मैच ही टूर्नामेंट का खेली और अपना एक मैच ही हारी है। तो देखा जाए तो टाइगर्स ने यहाँ पर दो मैचेस खेले और एक मैच जीता भी है, जिस कारण से 70% चांसेस कह सकते हो आप लोग टाइगर्स के विन करने के रहेंगे और वॉरियर्स के ओनली यहाँ पर 30% चांसेस विन करने के हो सकते हैं। तो एक बार दोनों ही टीम्स के लास्ट मैच के स्कोर कार्ड को भी चेकआउट कर लेते हैं। वॉरियर्स की टीम अपना जो लास्ट मैच हारी थी वो 9 विकेट से हारी थी क्योंकि इनके अगेंस्ट जो टीम थी ना वो टूर्नामेंट की तो बेहतरीन टीम थी। इस मैच में वॉरियर्स की टीम 20 ओवर के अंदर सिर्फ 125 रन बना पाती है और इनके 5 विकेट गिर जाते हैं। जब इनकी बारी आती है इस टारगेट को डिफेंड करने की तो इनके गेंदबाज इस टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, अपोनेंट इनके दिए गए टारगेट को 90 ओवर के अंदर ही चेस कर देते और ये सिर्फ उनका 1 विकेट ही गिरा पाते हैं। तो इनकी ओर से अभिषेक ओपन करने आते हैं उदीप्ता के साथ। अभिषेक 11 गेंदों पे 8 रन बनाते हैं, उदीप्ता 24 गेंदों पे 25, शामी दोस्तों 1 डाउन आते हैं 15 गेंदों पे 6 रन बना के आउट हो जाते हैं। कृष्णा चैतन्य जो कि इनके कैप्टन है ये 34 गेंदों पे 47 रन बनाते हैं। संदीप तनीरू दोस्तों 17 गेंदों पर 8, सुरेंद्र रेड्डी 13 गेंदों पर 11 और अंकित जोशी 6 गेंदों पर 9 रन बनाते हैं। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट और मेन बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे अभिषेक परशरार रहेंगे और दीप्ता इंपॉर्टेंट रहेंगे, शामी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ से चेतन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बैटिंग से ये 4 जो बैट्समैन है वो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। गेंदबाजी की बात की जाए तो देखा जाए तो इनकी ओर से अभिषेक परशरार ओपन के साथ साथ 2 ओवर की बॉलिंग भी की, हालांकि कुछ खास कर नहीं पाए। हाफिजी महंगे साबित रहे, रेड्डी ने 3 ओवर के अंदर 18 रन के 1 विकेट निकाला। इसके अलावा धीर गसी भी महंगे साबित रहे और यहाँ पर सुरेंद्र रेड्डी भी काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित रहे। तो इनके जो 3 मेन बॉलर होंगे वो यहाँ पर रेड्डी, सुहाइमी और यहाँ पे परशार ही रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों इनके अपोनेंट टीम की। अगर बात की जाए BDT की तो इनके जो भी 2 मैचेस हुए उन दोनों मैचेस में इनका बारिश के कारण इनकी जो सेकेंड इनिंग थी वो छोटी कर दी गई थी। इस मैच में इनकी टीम सबसे पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर के अंदर 100 रन बनाती है अपने 9 विकेट के नुकसान पे, और जब बारी आती है इस टारगेट को डिफेंड करने की तो इस टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं जो भी इनको दिया जाता है और इस मैच को ये 7 विकेट से हार जाते हैं। तो इनकी ओर से रूबल ओपन करने आते हैं समसल हक के साथ। रूबल यहाँ पे 3 गेंदों का सामना जरूर करते हैं लेकिन रनआउट हो जाते हैं। समसल 15 गेंदों पर 11 ही रन बना पाते हैं। बदरुल नईम जो कि इनके कीपर ये 19 गेंदों पर 5, महमूद अल फाकिल ऐमान ने दोस्तों 12 गेंदों पर 15, काजी तहमीद ने 13 गेंदों पर 12, सैदुर रहमान जो कि इनके कैप्टन है इन्होंने 17 गेंदों पर 12, हमजबीन दोस्तों 28 गेंदों पर 23, परवेज 11 गेंदों पर 11 और मुजीबुर मियाँ 1 गेंद बिना कथा खोले और अनवर जाहिद 1 गेंद 3 रन बनाते हैं। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट और मेन बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे रूबल रहेंगे, समशल हक, बदरल इनके कीपर और यहाँ पे दोस्तों ऐमान इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो 3 विकेट निकाले गए, 1 विकेट परवेज को मिला, समसल ने 1 विकेट निकाला और 1 विकेट जाहिद को मिला। तीन ही गेंदबाजों का इस्तेमाल ही कर पाए थे और तीनों बॉलर्स ने विकेट निकाला। इसमें से एक आप नोटिस करिएगा, समसल एक ओपन के साथ साथ बॉलिंग करा रहे हैं, इसके अलावा जो परवेज हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नीचे ही बॉलिंग करते हैं, मतलब बैटिंग करते हैं। बाकी इनका जो पहला मैच था टूर्नामेंट का जहाँ पर ये जीते थे 27 रनों से, इस मैच में भी बारिश का इंटरप्रेशन हुआ था। इस मैच में आप देख सकते हो इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज था, समशल ओपन करने आए थे आसरी के साथ, इसके लिए मियां 1 डाउन आए थे। बाकी इस मैच में अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो यहां पर भी अनवर जाहिद ने अच्छा परफॉर्म किया था, सगोर ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगर ये सारे बॉलर आज फिर खेलते तो डेफिनेटली इनको पिक करके चलना। बाकी आसरी ओपन के साथ साथ बॉलिंग भी यहाँ पर करा रहे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटा दबा लो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। बाकी जो भी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो 100% विनिंग टीम होगी सीधा टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, और आप लोग भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा ऐप की ओर, जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो बात की जाए विकेट कीपिंग सेक्शन से, 3 विकेट कीपर आपको देखने को मिलेंगे। रूबल लास्ट मैच में ओपन करने जरूर आए थे, हालांकि रन आउट हो गए थे। बाकी के चेतन ने सिर्फ एक ही मैच खेला है और लास्ट मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए की थी, तो इसी कारण से अभी के लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से के चेतन को ही एज अ विकेट कीपर पिक करके चलेंगे, क्योंकि इनके अलावा यहाँ पर और कोई ऑप्शन इतना बेटर नहीं रहने वाला है। बैटिंग की बात की जाए यहाँ पर सैयदुर रहमान इंपॉर्टेंट रहेंगे, चतोपाधी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आप देखोगे बैटिंग सेक्शन से और कोई बैट्समैन इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं इन दोनों के अलावा। बाकी अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर खेलता है जिसने अभी तक टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया तो डेफिनेटली इनको पिक करेंगे। बाकी अभी के लिए जो भी यहाँ पे 3 बैट्समैन है जिनको सभी लोग पिक करके चले उनको ही पिक करके चलते हैं, क्योंकि अनवांटेड रिस्क हमको लेना नहीं है। तो यहाँ पर 3 आपके लिए जो बैट्समैन इंपॉर्टेंट थे हमने इनको पिक कर लिया है। ऑलराउंडर की बात करूँ तो पश्चरार इंपॉर्टेंट रहेंगे, असरी अगर खेलते हैं और पिक कर लेना क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। बाकी लुतफुर रहमान शमसल हक के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के। इसके अलावा यहाँ पर एस रेड्डी भी बॉलिंग कर सकते हैं, आप चाहो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से और कोई ऑलराउंडर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी असरी खेलते हैं तो मैं डेफिनेटली यहां पर इनको पिक करूंगा। बॉलिंग की बात की जाए जाहिद यहां से इंपॉर्टेंट है, सगोर लास्ट मैच में नहीं खेले थे, अगर इस मैच में आज अवेलेबल रहते हैं तो डेफिनेटली पिक कर लेना। इसके अलावा यहां पे फजल यूसुफ यहां पर ऑप्शन आता है आपके सामने, एक रेड्डी का अच्छा परफॉर्म करके आए थे तो यहाँ पर एक और प्लेयर आप पिक कर सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों मैं अपनी टीम में हसरी को यहाँ पर पिक कर लेता हूँ, अगर ये नहीं खेलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा इनकी जगह पर आपको किसको पिक करके चलना है। तो जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट की थी और आपको बताया था कि टाइगर्स की टीम मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम लगी है, तो इस कारण से मैंने 7 खिलाड़ी इनकी ओर से लिए और वॉरियर्स की ओर से सिर्फ मैंने 4 खिलाड़ियों को पिक करके रखा है। बात की जाए अगर कॉम्बिनेशन की तो 1 कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर, 3 बॉलर का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो कैप्टन यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग सैयदुर रहमान को पिक करके चल रहे हैं, आप इनको पिक करके चल सकते हो। पहले मैच में इन्होंने 35 रन बनाए थे, हालांकि बॉलिंग से कुछ खास कमाल किया नहीं था, लेकिन मेरे कैप्टन यहाँ पे दोस्तों ऐसा करेंगे जो कि बैटिंग बॉलिंग कराएंगे, और वाइस कैप्टन मेरे दोस्तों यहाँ पे परशरा रहेंगे क्योंकि ये भी बैटिंग और बॉलिंग करेंगे। हालांकि लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे लेकिन ज़रूरी नहीं कि आज भी ये फ्लॉप चले जाएं। तो मेरी टीम यहाँ पे दोस्तों रेडी हो गई है, इसको सेव कर देते हैं और एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लीजिए और जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करें वहाँ पर जाकर इस टीम का आप यूज़ कर सकते हैं। सेम टीम के साथ दोस्तों स्मॉलिक ज्वाइन करेंगे, सेम टीम के साथ दोस्तों ग्रालिक ज्वाइन करेंगे, तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लो, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करें वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस टीम से अगर कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करते आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी सीधा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाकर आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। काम दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा लेना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैच को कवर करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।